जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिल्पी धर के पास, जो पहले भी काफी भविष्यवाणी कर चुकी हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर अब आगे क्या 2024 की गणना क्या कहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप पूरा, मैंने देखा कि अपने ज्योतिषाचार्य का जो होता है ना कि पूरा माहौल बना के आपने काफी भविष्यवाणी की है शिल्पी जी, और अब फाइनली देखिए एनडीए के पास नंबर्स भी हैं। लेकिन सवाल आ रहा है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, हालांकि वो कह चुके हैं कि साथ हैं जी। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? जहां तक नीतीश जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम जो है कांग्रेस की तरफ जाएंगे, और बीजेपी की सत्ता में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। परंतु बिग क्वेश्चन मार्क इज टिल व्हेन, जैसे कि मैंने पिछली बार भी न्यूज 18 पे कहा था, 3 साल, केवल और केवल 3 साल है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी कि 25, 26 और 27, बस इतना ही वक्त है नरेंद्र मोदी जी के पास। उसके बाद किस गणना से कह रही है? कुछ ऐसा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे, हो सकता है बीजेपी रहे, बट नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनके पास केवल 3 साल है। अच्छा, तो ये आपने कहा कि केवल 3 साल हैं, और ज्योतिष बड़े उसके साथ कहते हैं, तो फिर बनेगा कौन? हमारे पास जो जो ऑप्शंस हैं, अमित जी की ऑप्शंस हैं, अमित शाह जी हैं, अपने पास योगी जी हैं, और नितिन जी हैं, है ना। इनमें से अब देखना ये है कि कौन बनेगा, किसके प्रबल चांसेस हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो आप जरा चेक करके बताएं जरूर कि किस किस के चांसेस हैं। तो लीजिए, एक और भविष्यवाणी हो गई है कि बनेंगे प्रधानमंत्री, बनने जा रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद बदलाव होगा। कौन होंगे? नितिन गडकरी होंगे, अमित शाह, योगी होंगे, या और कोई नाम? देखिए, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, वो ये है, नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक राशि से हैं नाम के अनुसार, ठीक है, उनका स्वामी होता है मंगल। अमित शाह जी जो हैं वो एरीज मेष राशि से हैं नाम के अनुसार, उनका भी स्वामी है मंगल। तो दोनों जो है बड़े एनर्जेटिक लीडर्स साबित होंगे। कड़ी टक्कर 3 साल बाद होगी अमित शाह जी और नितिन जी की। अच्छा, ये दोनों कड़ी टक्कर में आएंगे, और दोनों में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि आप ये टैरो कार्ड के हिसाब से देख रहे हैं? टैरो, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, जो कि नाम राशि के अनुसार है जी। क्या इनके अलावा भी कोई और? क्योंकि देखिए, समर्थन तो आप नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दे रहे हैं जी। तो अगर आप कहती हैं कि यही बीजेपी के अंदर से होंगे, तो क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो क्या बाहर का भी कोई हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार? चंद्रबाबू नायडू जी का जो ये साल है बहुत ही शुभ है, कर्क राशि बहुत ही शुभ साल है ये साल उनके लिए, ठीक है। आने वाले 3 सालों का चेक करना पड़ेगा, बट ये साल जो है बेहद शुभ है, और बहुत ही स्थिर प्रवृत्ति के इंसान है वो। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि 3 साल बाद चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कोई अच्छी पोजीशन इन्हें मिल सकती है। मैं ये नहीं कहती प्रधानमंत्री बनेंगे, बट कोई अच्छी पोजीशन इन्हें अलॉट होगी पार्टी द्वारा 3 साल बाद जी। इस ये साल भी अच्छा है, और 3 साल बाद और भी अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कि 3 साल बाद नरेंद्र मोदी हट जाएंगे जी? नरेंद्र मोदी जी का केवल जो राजयोग है सिर्फ और सिर्फ 3 साल का है, इसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? ये कि पार्टी के अंदर कुछ होगा, या वो खुद छोड़ देंगे? विद इन पार्टी कुछ न कुछ हो जाएगा, और सिचुएशन बहुत डामाडोल हो जाएगी। लेकिन अमित शाह के आपने कहा कि उनका भी मंगल अच्छा है, नितिन गडकरी का अच्छा है, योगी आदित्यनाथ जी, हाँ योगी आदित्यनाथ जी का रह गया था, देखना वो चेक कर लेते हैं। ये साल भी अच्छा है इनके लिए, और जो आने वाले 3 साल है वो और भी अच्छे हैं, मतलब इस साल के कंपेयर जो 3 साल बाद की सिचुएशन होगी वो योगी जी के लिए अच्छी होगी। बट यूपी में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स काफी कम आई है, क्या उनका असर पड़ेगा उनपे? नहीं, असर नहीं पड़ेगा। ये हमें इस टाइम जो दिख रहा है एक भ्रम की तरह है, राहु की तरह है। इस टाइम पे जो दिख रहा है वो आने वाले कल का संकेत नहीं है यूपी के लिए। 3 साल बाद परिस्थिति कुछ और होगी। योगी जी एट प्रेजेंट उनपे जो एट मतलब टू हिज पर्सन कुछ इफेक्ट नहीं होगा योगी जी को। योगी जी और आगे बढ़ेंगे, यूपी पे जरूर जो इस टाइम आया है कांग्रेस का ज्यादा आया है, लेकिन योगी
हारेंगे नहीं, आगे आने वाले कल में उनका और उद्धार होगा, मतलब विधानसभा चुनाव भी हैं यूपी। हाँ, तो वो भी आगे जाएंगे। मतलब ये जो हुआ है इसका योगी जी से पार्टी की जरूर मतलब वो कहेंगे हार हुई एक तरीके से, लेकिन जो योगी जी है उनका आगे उन्नति उन्नति है। अच्छा शिल्पी जी, ये जो आंकड़े आए हैं ये बहुत से ज्योतिषियों ने कहा, 300 एग्जिट पोल भी आए, बीजेपी को एनडीए को 400 बता रहे थे, खुद नारा था वो कहीं नहीं रहा, बीजेपी भी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, ये क्या आपको लगा ये होना था या ये स्वाभाविक था कि क्या था, ग्रह ऐसी थी या सिर्फ नारा दिया गया था, क्योंकि आपसे भी काफी लोगों ने सवाल किए होंगे, तो ये क्या था बेसिकली? प्रजा की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, किसी पार्टी के पक्ष में मैं नहीं कहूंगी, बट जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता है, जब एक पार्टी का बहुत ज्यादा एक्सेस में रिजल्ट नहीं आता है ना, बहुमत नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं प्रजा जो है मिक्स्ड तरीके से चुनाव कर रही है, एक तरीके से न्यूट्रल चुनाव हो रहा है, डिक्टेटरशिप कहीं नहीं है। अभी तक कुछ लोग कहते थे डिक्टेटरशिप है, अगर डिक्टेटरशिप होती तो ऐसा होता ही नहीं, रिजल्ट ऐसा आता ही नहीं। दैट मींस डेमोक्रेसी की जीत हुई है, प्रजा की जीत हुई है। जहां सवाल रहा एस्ट्रोलॉजर्स का, देखिए भविष्यवाणी जो है स्पेक्यूलेटिव काम में भविष्यवाणी का इतना रोल नहीं होता है ना, ये स्पेक्यूलेटिव है, पॉलिटिक्स इज स्पेक्यूलेटिव है ना, फिल्म इंडस्ट्री इज स्पेक्यूलेटिव, जहां आंकड़े ऊपर नीचे पल पल होते हैं, क्योंकि ये राहु से गवर्न्ड है। राहु अपने आप में एस्ट्रोलॉजर्स के भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि वो भ्रम का प्रतीक है, देवताओं को भी वो भ्रमित कर गया, तो एस्ट्रोलॉजर्स देवताओं के आगे तो क्या ही है ना, तो ये राहु से गवर्न्ड है सारी चीज, पॉलिटिक्स हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, ये राहु गवर्न्ड है। तो नाम राशि से भी आप, ये तो टैरो कार्ड के आपने कार्ड देखे, नाम राशि से अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी का आप बार बार जिक्र करें, 3 साल बाद वो बदलाव होगा, ये उनकी टैरो कार्ड रीडिंग से देखा या नाम राशि से देखा, ग्रह क्या है? ये बेसिकली एक हो गया टैरो कार्ड, एक हो गया ग्रह राशि होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी, अंक शास्त्र, कई बातें, कई भविष्यवाणियां नहीं कह सकते हम, बट कई चीजें ऐसी होती हैं जो शक्तियों के द्वारा भी कही जाती हैं और जो इन चीजों के भी ऊपर होती हैं। तो जो राजयोग की मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का राजयोग केवल और केवल 3 साल का रहा, अभी 3 साल ही विल एंजॉय राजयोग टू द फुलेस्ट। जब पंजाब की बात कर लेंगे, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकसभा में 3 सीटें हैं सिर्फ, आम आदमी पार्टी जीत पाई है, विधानसभा चुनाव 2027 में है पंजाब में जी। अगर आप नाम राशि की बात करें, भगवंत सिंह मान है सीएम पंजाब के, उनका क्या ग्रह दशा कहती है, उनके टैरो कार्ड क्या कहते हैं? 2027 जो है राहु का साल है, जैसे 2024 शनि का साल था, तो शनि हमेशा कर्मों अनुसार फल देता है, लेकिन राहु जो है वो किसी भी वक्त पलटी खा सकता है, और राहु का साल है 2027। भगवत मान जी के जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है 2027 में, कम है। निजी तौर पे भगवत मान जी बहुत अच्छे इंसान है, कॉमेडियन है, जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और ऑनेस्टली काम करते हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, कॉमेडियंस कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन पॉलिटिक्स है, राजनीति है, यहाँ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है ना, और 2027 जो है राहु का वर्ष है, पलटी खाएगा, जो अब है वो तब नहीं होगा, मतलब सिचुएशन बदलेगी, बदलाव होगा। अच्छा ये हो गया पंजाब की बात, देश का क्या रहेगा इस कार्यकाल में, 3 अभी जो एनडीए की सरकार बनी है, भारत का क्या रहेगा, जिस तरह हम कई बार कहते हैं कि बाढ़, कुछ बारिश, तबाही और शेयर मार्केट है ना, एक ओवरऑल इंडिया के लिए क्या रहेगा? देखिए ओवरऑल इंडिया के लिए जो मेजर चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझे नजर आ रहे हैं 9 के अंक पे, यानी कि अगले साल 2025, 9 का अंक, 9 देवियों का, 9 दुर्गा का, बहुत प्रभावशाली और प्रबल अंक है। मेजर चेंजेस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक रिसर्च, और जो हम नासा कह रही हूँ, जो हम ऊपर भेजते हैं, विमान भेजते हैं चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष में है ना, उसकी रिसर्च और कुछ नई डेवलपमेंट रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है ना, अपना एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, इस पे जो रिसर्च होगी और नए नए साइंटिस्ट उभर के आएंगे जो आने वाले सालों साल में नाम कमाएंगे, उसकी खोज और उसकी रिसर्च 2025 में शुरू हो जाएगी, और 2025 में भारत का एक नाम जो है रोशन होगा विश्व में, किसी ना किसी फील्ड को लेके, टेक्निकल फील्ड को लेके। और कोई ऐसा बड़ा बदलाव या कोई ऐसा कुछ संकट का कोई बादल तो नहीं? संकट का बादल 2027 में आ सकता है जब राहु प्रबल होगा, अगला साल बहुत शुभ है भारत के लिए, बहुत ज्यादा शुभ है।
एक लास्ट सवाल शिल्पी जी, अब सवाल ये है कि राजनीति 2024 में पता लग गया कि कौन कहाँ पे खड़ा है, राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सवाल सबके जहन में है। जी, राहुल गांधी जी का जो समय है आने वाले कल में अच्छा होगा, परंतु चाहे प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में कोई भी बने, जो कुर्बानियां आजादी के वक्त भगत सिंह जी ने या उन लोगों ने दी जिन्होंने जान की कुर्बानियां दी, उनकी जगह इस वक्त कोई नहीं ले सकता। एक बार बाइक स्टार्ट कर दे, बाइक को चलाना तो कोई भी चला सकता है, भालू को भी बाइक पे बिठाएंगे वो भी चला लेगा, लेकिन स्टार्ट जो की वो उन लोगों ने की जिन्होंने शहीदियां दी आजादी के टाइम, है ना। तो इस टाइम पे जो 3 साल आने वाले हैं इसमें तो राहुल गांधी जी का चांस नहीं है। जो आने वाला वक्त है उसमें राहुल गांधी जी के सितारे तभी प्रबल होंगे अगर वो और प्रियंका गांधी दोनों एक टाइम पे एमपी बनेंगे। पहले तो जब दोनों एक टाइम पे एमपी बनेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी के ग्रह अपने भाई के लिए बहुत शुभ है, लेकिन शुभ वैसे नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी में, शुभ मतलब अगर दोनों एक टाइम पे एमपी पहले बनेंगे तो जाके ग्रह चाल काम करेगी और आने वाला वक्त राहुल गांधी का होगा तब। अरविंद केजरीवाल, बहुत बुरा समय चल रहा है, खतरे की घंटी है, आने वाले समय में शनि इतना भारी हो सकता है और भी जेल योग के चांस बने और इल्जाम और भी लग सकते हैं। अच्छा, खतरे का समय है। खतरे का समय है। तो राजनीतिक उथल पुथल देश में अभी नहीं होने वाली, उस हिसाब से आप कह रहे हैं 3 साल तक उथल पुथल इसी साल होगी जो ये हो रही है, जो हम देख रहे हैं हलचल देश में 1-2 दिन से, और फिलहाल जो 3 साल है वो नरेंद्र मोदी जी राजयोग इंजॉय करेंगे, उसके बाद उथल पुथल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी। शुक्रिया।